नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन कारों की गति 2:3:4 के अनुपात में है, समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए संबंधित समय का अनुपात क्या है। देखिए जो स्पीड होती है यानी गति है, जो गति है या स्पीड है वो किसके इक्वल है, दूरी बटे समय। ठीक है, यहाँ पे दूरी क्या है, फिक्स है। ठीक है, अगर दूरी दूरी फिक्स है तो गति जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी समय के। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें जैसे गति का रेशियो दिया हुआ है, गति का रेशियो क्या है, 2:3:4। चूंकि गति समय के उलट है तो अगर मैं समय का रेशियो निकालूंगा तो वो गति के रेशियो का उल्टा होगा, 2 की बजाय 1/2, 3 की बजाय 1/3 और 4 की बजाय 1/4। ये हमारा आंसर है, लेकिन ऑप्शन में इस जैसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। क्या आया एलसीएम, 12। तो मैं पूरे रेशियो को 12 से गुना कर देता हूँ। ठीक है ना, तो एलसीएम जो आया था 12, उससे मैंने गुना किया, तो पहली जो वैल्यू थी 1/2 को 12 से गुना करूंगा 6 रेशियो, फिर 1/3 से गुना करूंगा 4, फिर 1/4 से करूंगा 3, यानी 6 4 3 जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है।